आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। होटल में व्यापारी की मौत के मामले में एसएसपी ने आरोपी थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल पर दर्ज किया मुकदमा। अपने ही थाने में मुजरिम बने निवर्तमान थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, तीन अन्य भी बने आरोपी। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात, कर सकते हैं उनकी सभी मांगे पूरी। जनपद के पाली ब्लॉक के ग्राम सभा बनौली में जिलाधिकारी ने लगाया चौपाल, जनता की समस्याओं से अवगत होते हुए दिए निस्तारण के निर्देश। कहा, शासन की सभी योजनाओं से गांव को किया जाएगा आच्छादित। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसएसपी ने गीरा थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। कहा, पुलिस चौपाल में कुल आए 8 मामले, संबंधित अधिकारियों को दिए गए निस्तारण के निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ नगर विकास के कार्यों की वर्चुअल मंडलीय समीक्षा बैठक, अमृत योजना के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारियों और एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक, भूमि विवाद के मामलों को सुलझाने तथा आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन की अध्यक्षता में संपन्न हुई क्षेत्रीय प्रकोष्ठ की बैठक, 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़ने पर बनी रणनीति। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग के ARP, SRG एवं खंड शिक्षा अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक, शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के साथ प्रत्येक सोमवार को रीडिंग मेला के आयोजन के दिए निर्देश। मंडलक की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडलीय उद्योग बंधु की मासिक समीक्षा बैठक, उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश। पिपराइश थाना क्षेत्र में बियर शॉप से चोरों ने उड़ाया 18 पेटी बियर का बोतल, 91 पेटी कैन सहित 1400 रुपए नकद। SP नॉर्थ ने कहा, CCTV के माध्यम से चोरों की जा रही है तलाश, जल्द होगी गिरफ्तारी। हर बुधवार पुलिस आपके द्वार के तहत SVCT ने कोतवाली थाने पर लगाया चौपाल, सुनी जनता की फरियाद। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए नागरिकों के लिए सुझाव, कार्रवाई के दिए निर्देश। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 50 केंद्रों पर कुल 9,219 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। पहली डोज लेने वालों में 4,815 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 4,394 लोग रहे शामिल। एडिशनल सीएमओ ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराएं वैक्सीनेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव नियोजन ने की त्वरित आर्थिक समीक्षा योजना की समीक्षा, निर्माणाधीन विकास कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। गोरखपुर में बुधवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,417। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 12 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं द्वारा परंपरागत तरीके से बुधवार को रखा गया जीवित पुत्रिका का निराजल व्रत। माताओं ने पूजा अर्चना कर अपने संतान के लंबी उम्र की कामना।